43 साल पुराने एक स्पेसक्राफ्ट से संपर्क स्थापित करने में नासा ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 2 है। ये स्पेसक्राफ्ट 1866 करोड़ किलोमीटर दूर था। ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 7 महीने से बिना धरती के कोई संपर्क के ही उड़ान भर रहा था। वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब को नासा ने 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य दूसरे ग्रहों की स्टडी करना था। इससे ठीक 16 दिन पहले वॉयेजर 1 को भी लॉन्च किया गया था। यहाँ आपको बता दें कि अब जाकर यानी 43 साल बाद नासा ने वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधा है। असल में ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक खास रेडियो एंटीना के जरिए ही वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन ये खराब हो गया था और इसे ठीक होने में काफी वक्त लगा। वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इतना दूर पहुंच गया है कि संदेश भेजने के बाद जवाब पाने के लिए 34 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। एंटीना की खराबी ठीक करने के बाद जब इससे संपर्क किया गया तो वापस जवाब आया हेलो। बता दें कि वॉयेजर 2 इंसानों का बनाया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूरेनस तक पहुंचा। यूरेनस पर इसने 10 नए चंद्रमा की भी खोज की थी। ये नेपच्यून के पास पहुंचने में भी कामयाब रहा और वहां भी 5 नए चंद्रमा की खोज की। अब इस स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधकर नासा के वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।